एक और उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा हुआ है, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग इनको असफल बनाने में जुटे हुए हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको मैनपुरी की इस रिपोर्ट में। भले ही देश और प्रदेश की सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन ये सभी दावे और वादे सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मैनपुरी के बेवर से सामने आया है, जहाँ एक दलित लड़की के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसे जाति सूचक गालियाँ भी दी। लड़की ने तुरंत ही 100 नंबर डायल किया और पुलिस मौके पर पहुँची। लड़की का इस मामले में क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। पीछे गली में हमारे कौन सा मोहल्ला मोहल्ला बताएं आप। दो लड़के थे, मोहल्ला ब्रह्मनाथ, चौगरा। क्या कहा उन्होंने? चौगरे के थे, उन्होंने गाली गलौज दी और बोल के गए कि अभी लड़कों को फोन करके ला रहा हूँ, अभी तेरे को बता रहा हूँ। क्या कौन अभी यहाँ कहीं मिल सकते हो लड़के? अभी तो उनका पता नहीं, उनकी मम्मी खड़ी हुई है वहाँ पे। मम्मी तो भाग गए हैं वो, बोल रही उनकी मम्मी, और उन्होंने छुपा दिया तो उसकी गारंटी हमारी नहीं। उन्होंने फोन पे क्या कहा तुमसे? फोन पे कुछ नहीं कहा, मतलब फोन पे उसने लड़के को फोन किया और ये बोला कि यहाँ आओ महाराज, ये देखो यहाँ 6-7 लड़के लेके आओ, फिर यहाँ लड़ाई करनी है, ये लोग बहुत मुँह चला रहे हैं। पुलिस को जैसे ही पूरे मामले की खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।